नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हमने। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर आपको UPP यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के और GK GS के, वो सभी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसी सीरीज में आज ये पहला आ रहा है प्रैक्टिस सेट जो कि मैथमेटिक्स का है, और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के तौर पे हैं कि जैसा पैटर्न था पिछले एग्जाम्स में 2019 और 18 में जो एग्जाम हुआ था UPP का, उसी से रिलेटेड उसी पैटर्न पर बेस्ट सारे क्वेश्चंस हैं। तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर आप इस बार UPP में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ईमानदारी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी थ्रू प्रैक्टिस सेट। क्योंकि अब समय आ चुका है प्रैक्टिस करने का, आपकी जितनी तैयारी होनी थी वो हो ही चुकी होगी। अगर अब आप नोट्स बनाएंगे, आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि अभी से प्रैक्टिस करनी है और पीछे वाली चीज़ें बस रिकॉल करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक धनराशि ए कॉमा बी कॉमा सी और डी के मध्य 5:2:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी को 2,000 रुपये डी से अधिक मिलते हैं तो बी का भाग क्या होगा? अब जरा आप यहाँ पे देखो, ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी और डी। इन्होंने बोला सी को डी से 2,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो सी को कितना मिलता है? सी को मिलता है 4 और डी को मिलता है 3। तो यहाँ पे अगर देखो, सी को मिल रहा है 4 और डी को कितना मिल रहा है इससे? 3। तो इनमें कितने का अंतर है? एक का ही तो अंतर है। और इस एक यूनिट की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? 2,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे दी है 2,000 रुपये। पूछा क्या है? बी का हिस्सा बताओ। तो बी का हिस्सा कितना था? 2 भाई। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000 रुपये। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बी का हिस्सा है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 4,000, जो कि ऑप्शन बी है। इतनी आसानी से आप समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। UPP में आप ध्यान रखना, क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 आदमी या 6 लड़के, इन्होंने देखो लिख दिया 3 आदमी यानी कि 3 मेन हो जाएंगे या 6 = 6 लड़के यानी 6 बॉयज अपना कार 20 दिन में कर दें। तो 3 आदमी अगर 6 लड़के के बराबर हैं तो एक जो आदमी होगा वो 2 लड़कों के बराबर होगा। इतनी बात हम समझ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एक आदमी है वो कितने लड़कों के बराबर काम करता है? 2 लड़कों के बराबर। 20 दिन में काम पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? अब 20 दिन में जो काम हो रहा है उसको कितने लोग कर रहे हैं? 3 आदमी कर रहे हैं या 6 लड़के? तो मान लेंगे 3 आदमी ही कर रहे हैं, तो इधर भी हम आदमी ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 आदमी तो ये हो ही गए, और 8 क्या है भाई? लड़के। 8 लड़के, तो 2 लड़के 1 आदमी के बराबर हैं, तो 8 लड़के 4 आदमी के बराबर, तो 6 आदमी ये हो गए और 4 यहाँ से, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 आदमी। अब यहाँ पे क्या था इस वाली लाइन में कि जो 3 आदमी वो काम कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 20 × 3, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। अब इस वर्क को कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग कर रहे हैं, तो 10 से इसको हम कर देंगे भाग। 10 से भाग करोगे 20 को, ये 2 आ जाएगा, 2 × 3 से करोगे तो हमारा टोटल डेज कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 6 दिनों में टोटल हमारा काम फिनिश हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, 3 आदमी और 6 लड़के बराबर काम करते हैं, यानी कि 1 आदमी 2 लड़कों के बराबर करता है। इन्होंने बोला तो ये जो काम यहाँ पे था ये 20 दिन में हो रहा था, तो हमने माना 3 आदमी काम 20 दिन में कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब 6 आदमी और 4 लड़के, तो 4 लड़कों को हमने आदमी कन्वर्ट किया, तो 8 लड़कों को आदमी में कन्वर्ट किया, तो 4 लड़के हो गए, और 6 और 4 कितने हो गए? 10 आदमी। तो 10 आदमी ये जो काम था टोटल 20 × 3, 20 और ये 3 की गुणा होगी, इसको 10 दिन से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी हों? बराबर हों। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। आधार 8 सेंटीमीटर, ये आधार है, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, और इसकी समान भुजाओं में एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 है तो भाई ये भी 5 होगी, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं। तो आधार से सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई बताओ, यानी कि ये जो आधार है यहाँ से ये वाली ऊंचाई बतानी है हमको, ये ऊंचाई। तो ये यहाँ पे ऊंचाई जो होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये क्वालिटी होती है। अब 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, साथ में नीचे वाले आधार को बराबर भुजाओं में बांटता है। तो नीचे अगर 8 है तो 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर। अब आपको ये एक यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा क्योंकि बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगता है, उसका मतलब होता है 3, 4, 5। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे तो देखो, ये जो ये इसको अगर हम लोग नाम दे दें ए बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो अगर ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है
और इसमें एक भुजा ये चार है, ये पांच है, तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगाओगे तो आई थिंक आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होगा। इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है यहाँ पे, पाँच, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है यहाँ पे, एच मान लेंगे हम लोग ऊंचाई का स्क्वायर, तो पाँच का स्क्वायर 25, चार का स्क्वायर 16 इधर आके घट जाएगा बराबर एच स्क्वायर, 25 से 16 घटाओगे 9, 9 बराबर एच स्क्वायर, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 3, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। वैसे भी एक ट्रिपलेट 3 4 5 का होता है, अगर आपको ये याद होता तो ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है, तो बची वाली जो ऊंचाई होगी वो 3 ही होती, डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था। ट्रिपलेट्स आपको याद रखने होंगे। देखिए दो तीन हम ट्रिपलेट्स यहाँ पे आपको बता दें फटाफट, ये काफ़ी फेमस है, यूपी भी में आ सकते हैं। एक तो 3 4 5 हो गया, एक 5 12 13 हो गया, और एक 9 40 41 हो गया, और एक 8 15 और 17 हो गया। ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको आप याद रखोगे तो होपफुली आपके एग्जाम में काफ़ी ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि इस बार हमारे यूपी में 52,600 प्लस यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जो कि यूपी के इतिहास में सबसे ज़्यादा भर्ती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी आज से पहले कभी यूपी में नहीं आई कांस्टेबल की। तो आप लोग तैयारी करते रहिए तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये नहीं है, 8%, 8% की हानि होती है, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस धनराशि में बेचना होगा। तो देखिए 138 रुपये में जो हम बेच रहे हैं भाई, हमने कोई वस्तु 138 रुपये में बेची तो हमें 8% की क्या हो रही है, हानि। मान लीजिए हमारा जो सीपी है वो 100 रुपये है, 100 रुपये हमने कोई चीज़ खरीदी और 8% का हमें यहाँ पे क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, तो हमारी वस्तु कितनी बचेगी, 92%, और इस 92% की ही वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी है, 138 रुपये। बाद में क्या कहा है कि इसे कितने में बेचें कि 4% का लाभ हो, तो 100 रुपये पे अगर 4% का लाभ होगा तो वस्तु हो जाएगी 104 की, ये 100 में, तो हमें 92% की वैल्यू 138 पता है और हमें 104% की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, 138 गुणे 104 और बटे में कितना आ जाएगा, 92। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से अगर भाग करोगे तो 4 दुनिया 8 बचेगा 1, हो जाएगा 12, 4 दुनिया 12, 4 से इसे भाग करोगे तो 4 दुनिया 8 बचेगा 2, हो जाएगा 24, 4 से 24, ठीक है, 23 से ये आई थिंक डिवाइड हो जाएगा, 23 छक्का 138 होता है, और 26 और 6 की गुणा करोगे तो 26 छक्का 156, 156 हमारा आंसर आएगा, जो कि हाँ ऑप्शन ए दिया है। देखो हमने क्या किया, 8% की हानि, यानी 100 से 8 घटाओगे तो 92 बचेगा, 92% की वैल्यू 138 है, फिर 4% का फायदा, तो 100 में 4 जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा, तो 104 की वैल्यू बतानी है, 92 की वैल्यू 138 है, तो 104 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 138 बटे 92 गुणे 104, सॉल्व किया तो 156 रुपये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से करना है। दो पासों को एक साथ फेंका गया है और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया है, तो योग 12 होने की प्रायिकता बताइए, यानी कि 12 आएगा योग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए कोई भी एक अगर पासा होगा तो उस पर 6 अंक आ सकते हैं, तो दूसरे पासा पर भी 6 अंक आ सकते हैं, तो टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 36। टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी कि 36 तरीके से भाई दो पासे उछाल ले, पहले पे एक आया दूसरे पे हो सकता है 2 आ जाए या दूसरे 3 आ जाए, तो ऐसे टोटल 36 जोड़े बनेंगे, ये तो संभावनाएं हो गए टोटल। प्रायिकता होती क्या है, तो देखो भाई जो प्रायिकता होती है वैसे घटनाएं जो हमारे फेवर में हो, फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए है, बटे में टोटल आउटकम। टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल है यहाँ पे 36, यानी कि टोटल 36 चीजें आ सकती हैं, तो 36 तो बटे में होगा ही। और एक बात बताओ, 12 होने पर भाई पासे उछालने पर दो, एक पहला पासा उछाला दूसरा उछाला, इन दोनों पे जो अंक आए उनको जोड़ने पे 12 कब बनेगा, जब दोनों पर 6 आए, इसके अलावा क्या कुछ बन सकता है, जब दोनों पर 6 और 6 आएगा तभी क्या बनेगा 12, और 6 और 6 आने का एक ही बार, एक मान लो आपने उछाला एक बार और दोनों पर 6 6 आ गया, तो एक ही बार तो ये संभावना हो सकती है 6 6 आने की, है ना, तो एक ही टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम है
और बटे में 36, तो टोटल हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/36, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चंस का लेवल आप देखोगे धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने कभी चीज़ें समझी हैं, जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो उनको ये क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत ऑप्शन टिक कर देंगे वो लोग, उन्हें ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये संख्या है कोई एन, एन में एक बढ़ा और इनमें एक और बढ़ गया, मतलब कहने का मतलब है जैसे 1 × 2 × 3, यानी कि ये तीन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ही लिखा है। ये तीन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल लिखा है, एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू। और अगर तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपस में गुणा है उनकी, तो वो हमेशा तीन से डिवाइड होंगी। वो तीन से क्या हो जाएंगी भाई, विभाजित हो जाएंगी। अगर चार प्राकृतिक संख्याएं गुणनफल है तो हमेशा वो चार से डिवाइड होंगी। तो यहाँ पे तीन संख्याएं हैं, तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है जो तीन से डिवाइड है। 8 तो नहीं डिवाइड है, 24 डिवाइड है, 16 भी नहीं डिवाइड है, 32 भी नहीं डिवाइड। तो सीधे सीधे हम 24 बता देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा कैसे आएगा 24 को, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लें, तो यहाँ पे 2 और 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, अगर गुणा करोगे तो 2 × 3 = 6, 6 × 24। तो अब डायरेक्ट हमने बता दिया यहाँ पे 24 ऑप्शन आएगा इस तरीके से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर है, तो भाई समकोण त्रिभुज फटाफट बना लो। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जैसे ब्रेड पकौड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरीके का। तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी इसे समकोण बोला जाता है। ये सामने वाली भुजा कर्ण बोली जाती है, ये नीचे आधार होता है, ये बेसिक बातें आई थिंक आपको पता होंगी। ये हमारे लंब होती है जिसको हम ऊंचाई वगैरह भी बोलते हैं। इन्होंने कर्ण कितना दे दिया, 5, आधार कितना दे दिया, 4। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें ट्रिपलेट लगते हैं। कौन से क्या क्या लगता है भाई, ट्रिपलेट लगते हैं, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में देखो क्या, 4 है 5 है, और एक ट्रिपलेट अभी हमने आपको पीछे बताया था 3 4 5 का होता है, यानी कि जो लंब है ये कितना हो जाएगा, 3 लंब हो जाएगा, 3। और उन्होंने पूछा गया है क्षेत्रफल बताओ, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना है भाई हमारा, देखो ये 4 है, और ऊंचाई कितनी अभी हमने निकाली है, ये 3 निकाली है। तो 2 से काटोगे इसे 2 आएगा, और 2 और 3 की गुणा 6 हो जाएगा, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर ऑप्शन हमारा दिया जाएगा। इतनी बात समझ आई भाई, ये हमारा 6 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, ऐसे समझते हैं पर फिर से, सिंपल सी बात थी। ये 5 दिया था, ये 4, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, इन दोनों की गुणा का आधा करना, तो चाहते हैं 12 12 का आधा 6, इतना ही करना था। ये तो बस समझाने की वजह से हमें इतना करना पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक आयत का परिमाप 200 मीटर है, इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। देखिए आयत क्या होता है, जैसे हम आपके मोबाइल की जैसी स्क्रीन है उसी तरीके का जो होता है वो आयत होता है, इस तरीके से कुछ। ये क्या हो गया हमारा आयत, आयत में ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। इन्होंने परिमाप हमें 200 मीटर दिया है, परिमाप का मतलब क्या होता है, इन चारों भुजाओं का योग। तो अगर ये 200 है, उसमें से इन्होंने बोली चौड़ाई कितनी है 40, तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, तो 40 40 80 हो गया। देखिए परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। और ये हमें कितना दिया इन्होंने क्वेश्चन में, 200, तो 2 2 से अगर हम 200 को भाग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 हट जाएगा यहाँ से। अब लंबाई हमें पता नहीं, लेकिन चौड़ाई 40 दे दी है, बराबर 100, तो 40 आके घट जाएगा, तो यहाँ से लंबाई हमें कितनी मिल जाएगी, 60। हमें ये पता चल गया कि आयत की ये जो लंबाई है 60 है, तो ये भी 60 होगी। अब अगर आप सभी को जोड़ोगे तो 200 बन जाएगा। इन्होंने बोला है इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बहुत ही आसान, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 60, चौड़ाई है 40, तो 6 चौक 24 और 1 0, 240 और 1 और 0, तो 2400 मीटर स्क्वायर आएगा। 2400 मीटर स्क्वायर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आप इसी तरीके से लगा लोगे, ये बात ध्यान रखना। जो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया था लेकिन फिर भी लिख दें, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर रूट 1.21 माइनस अंडर रूट 0.1, इसकी वैल्यू बताओ। ये यहाँ पे नहीं है, ये हटा देना। ठीक है, तो अंडर रूट ये इस तरीके से, समझ जाओगे आप हमारी बात, तो ये भी इस तरीके से अंडर रूट में ये लिखा है, अंडर रूट 1.21 माइनस अंडर रूट 0.1। अब यहाँ 0.01, इसको थोड़ा करेक्ट कर दें, 0.01
0.01। अब देखो अंडर रूट, यहाँ से दो संख्याओं के बाद दशमलव अगर हटाएंगे तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे दो संख्याओं के बाद तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगे। अब 121 का वर्गमूल होता है 11 और 100 का वर्गमूल होता है 10, माइनस एक का वर्गमूल एक ही होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10। 11/10 से 1/10 घटाओगे तो हर तो एक ही जैसे हैं, तो 11 से 1 घटेगा तो 10/10, और 10 से 10 को भाग करोगे तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखिए किसी संख्या का जो 200% है वो कितना है, 90 है। अब हमें उसी संख्या का 80% बताना है, तो 200% की वैल्यू कितनी है, 90, 80% की वैल्यू बतानी है। तो देखो 200 का अगर हम एक जीरो कट कर दें तो इसका भी एक जीरो कट कर दो, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब इन्होंने बोला 80% बताओ, तो 20 में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 80 हो जाएगा, तो 9 में भी भैया 4 से गुणा कर दो तो 36 हो जाएगा। इससे शॉर्ट तरीका इसका कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 200% की वैल्यू 0, सॉरी 90 थी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा सॉरी एक मिनट देखते हैं, हाँ जो हमारा जी 0 से 0 कट गया तो 20% की वैल्यू हमें 9 मिल गई, और इन्होंने हमसे पूछा था कि हमें बतानी किसकी है वैल्यू, 80% की, तो 20 में अगर 4 से गुणा करोगे तो 9 में भी अगर 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे हमारा 36 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 10 है और लासा 45 है, संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो जो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन्हीं संख्याओं का मासा गुड़े लासा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर मासा गुड़े लासा, मासा है 10, लासा है 45, गुणा करोगे 450, यही गुणनफल आएगा, तो ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है। देखो आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आपको इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात हमारी आप बांध लो, दिमाग में रख लो कि अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, और अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं मिला तो आने वाले 8-10 साल आप भूल जाओ कि आपको यूपी में सिलेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि यही वैकेंसी काफ़ी साल बाद 5 से 6 साल बाद निकली है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको बहुत मेहनत करनी है, इस बार सिलेक्शन आपको लेके रहना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 12 कि 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9, 11, 12 और 13 का एलसीएम निकालना है, जो आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर वो ऑप्शन में दी है तो ठीक है, अदरवाइज उसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना करता रहना, जो ऑप्शन में मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, 9, 11, 12 और 13 का निकालते हैं एलसीएम। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 से चलो काट देते हैं, या 2 से पहले काटते हैं, ये 9 ऐसे रहेगा, 11 ऐसे, ये 6 हो जाएगा, ये 13, फिर 2 से काटते हैं, 9, 11, 3 और 13, ये 3 से कटेगा, 3, 11, 1, 13, फिर 3 से कटेगा, 1, 11, 1, 13, फिर एक बार 11 से कट जाएगा, 1, 1, 1, 13 और एक बार 13 से कटेगा, और सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो 2 दुनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 की 11 से अगर गुणा करेंगे तो 396 हो जाएगा, और उसकी गुणा 13 से, गुणे 13, 13 छंग 78 का 8, हासिल लगा 7, 13 ने मैं 117 और 7 124 का 4, हासिल 12, और 13 3 39 12 51 5148 आया एलसीएम। तीनों संख्याओं का जो मासा है वो लासा कितना है, 5148, और बाई चांस की बात है हमें 5148 ऑप्शन में दिया भी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जो 9, 11, 12 और 13 सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप एक एक से डिवाइड करके देख लेना, सभी से ये संख्या डिवाइड होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है, इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ अमाउंट होगा और 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दे दिया, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन बताओ। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज पे जो होता है हर साल ब्याज उतना ही रहता है, इन्होंने बोला कि अगर 3% हम ब्याज अधिक कर देते हैं, और ब्याज कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलता, 3×2 यानी कि 6% एक्स्ट्रा मिलता, और 6% की वैल्यू इन्होंने कितनी हमें क्वेश्चन में दे दी है, 300, तो 6% की अगर वैल्यू 300 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, फिर ऐसे ही कोई जो धन होता है वो 100% होता है, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 5000, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5000, ऑप्शन 4, 5000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या हमने किया, 3×2 6%, 6% की वैल्यू 300, तो भाई 1% की वैल्यू
50 हो जाएगी, क्लास में बिल्कुल पीछे बैठा बच्चा भी ये बात बता देगा, और 1% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी, 5000 हो जाएगी, ये हर कोई बता सकता है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप अगर सॉल्व करोगे तभी आप विद इन टाइम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है भाई, 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी। अब देखो, आज हमने किसी को रुपये दिए और 5 साल बाद वो कितने हो गए, दोगुने, यानी कि आज हमने किसी को 12,000 दिए तो 5 साल बाद कितने मिलेंगे, 24,000, फिर अगले 5 साल बाद कितने मिलेंगे, 48,000, फिर अगले 5 साल बाद कितने मिलेंगे, बाई का मतलब ये ईयर है, फिर अगले 5 साल बाद कितने मिलेंगे, 96, फिर अगले 5 साल बाद कितने मिलेंगे, 96 × 5 करो, 96 का दोगुना करोगे तो 1,92,000, तो 12 का दोगुना 24, 24 का दोगुना 48, 48 का दोगुना 96, 96 का दोगुना 192। अब अगर ये 12,000 है तो ये 24,000 हो जाएगा, ये 48,000 हो जाएगा, ये भाई 96,000 हो जाएगा, और ये 1,92,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था 20 साल बाद, तो 5 साल और 5 10 साल, 10 5 15 और 15 5 20 साल बाद 1,92,000 हो जाएगा। तो इसको तो आप बिना किसी फॉर्मूले के ओरली ही इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो एक बात बताऊँ, पहले दिन कितने आए थे, 84,500, और आज कितने आ रहे हैं, 16,900। तो देखते हैं ये इसका कितने परसेंट है, 100 करो तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 845, और अगर दोगुना करोगे तो 1690, 845 दोगुना 1690, 10 बचा, तो 20% है हमने सॉल्व किया। तो 84,500 का 20% कितना है भाई, 16,900। तो पहले दिन अगर 100% लोग आए होंगे तो चौथे दिन आ रहे हैं 20%, तो कितने परसेंट लोग घट गए, 100 से 20 घटा दोगे, 80% लोग हमारे क्या हो चुके हैं, घट गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन भी 80 ही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, हमारा चैनल है परिवर्तन द एजुकेशन हब, ये हमारा परिवर्तन द एजुकेशन हब आपको UPP के सभी प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कराएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें तो आपको सिलेक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और हम सभी लोग आपके लिए वर्क कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों और आप अपने नाम, आप अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपने माता पिता सभी का नाम रोशन करें। अगला क्वेश्चन है कि परशोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया, तो 2.5 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे। अब देखो, ये एक स्थान है, इधर को जा रहा है, सॉरी इधर जा रहा है पुरुषोत्तम, क्या नाम है इनका, पी हम लिख देंगे, इधर जा रहा है पुरुषोत्तम और इधर को जा रही है अंजलिका। तो एक बात बताओ, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही, तो ये तो दूर होते चले जाएंगे, और स्पीड जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, अगर एक जैसे ये इधर जा रहा है ये इधर, तो विपरीत दिशा में अगर कभी चलते हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो एक की चाल है 30, दूसरे की चाल है 3.5, तो चाल हो जाएगी 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतने इतनी स्पीड से कितने घंटे चल रहा है, 2.5 घंटे, तो कितनी दूर हो जाएगी, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 33.5, ये वाली चीज़ इतनी स्पीड से 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 5/2, भाई 2.5 घंटे को आप 5/2 घंटे भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ाओगे, 5 से काटोगे से 20 को 4 आएगा, अब 4 से 335 को भाग करना, तो 4 8 32 बचा कितना, 1 हो गया 15, 4 12 बचा 3 लगाया दशमलव हो गया 30, 4 7 28, 2 हो जाएगा 20, 4 5 40, तो 83.75 किलोमीटर एक दूसरे से दूर वो लोग हो जाएंगे 2.5 घंटे में, जब एक 30 की स्पीड से जाएगा और एक हमारा 3.5 यानी कि 3.5 की स्पीड से जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमने इस तरीके से लगाया, विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए चालें जुड़ जाएंगी, और अगर एक ही दिशा में आते कि ये इधर आ रहा और ये भी इधर ही जा रहा, एक ही दिशा में जा रहे थे तो चालें घट जाती हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग ऐसे ही ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि
एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है। यदि अंश में एक जोड़ा जाए और हर में 3 घटाया जाए तो यह एक हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लेते हैं, अंश और हर का योग 14 है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा है, 3/11, ये क्या लिखा है 9/5, ये लिखा है 1/13, और ये लिखा है 5/9। तो हम लोग ऑप्शन से फटाफट करते हैं। अंश और हर दो जोड़ोगे तो 14, हर जगह पे 14 ही बनना है। इन्होंने बोला अंश में एक जोड़ा जाए, यदि अंश में एक जोड़ा जाए तो अंश में एक जोड़ो, और हर में 3 घटाया जाए, हर से 3 घटाओ तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 8। सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, और इन्होंने बोला कि एक आएगा, एक तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है, पहला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसमें यही काम करो, एक जोड़ो नीचे 3 घटाओ तो 1 जोड़ने पर 10, नीचे आ जाएगा 2, 2 से भाग करोगे 5, ये भी बात गलत है। इसमें देखोगे अंश में एक जोड़ोगे, हर में 3 घटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे 10, तो 1/5, ये भी बात गलत है। तो यही ऑप्शन सही होगा, देखो कैसे, अंश में एक जोड़ देंगे, हर में 3 घटा देंगे तो जोड़ने पर ऊपर हो जाएगा 6, और 9 से 3 घटाओगे तब भी 6, और 6 से 6 को भाग करोगे तो 6 कम 6 एक आया, तो हमारा आंसर भी सेम आ गया जो बता रहे थे, और इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज आपने देखे जो टॉप 17 क्वेश्चन थे, जो हमारे UPP के मैथ्स प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं, ये हमने सारे आपको करवा दिए। अभी ऐसे सीरीज चलती रहेगी, अब जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक आपको लगातार मैथ्स और हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। और साथ ही साथ अभी थोड़े दिन बाद हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैथ्स के, यानी कि 2018 और 2019 में जो क्वेश्चन हुए आए थे, उन सभी क्वेश्चन को हम आपके प्रैक्टिस सेट के दौरान ही सॉल्व करवा देंगे। तो आप वहाँ से भी मैथ्स का जो पैटर्न है वो समझ पाओगे, और हम लोगों को इस बार करना क्या है कि पैटर्न थोड़ा बढ़ाना है, कि जो एक लेवल है डिफिकल्टी लेवल वो थोड़ा इंक्रीज करना है, क्योंकि 2018 के टाइम आसान क्वेश्चन आते थे, अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो थोड़ा तो हार्ड होगा ही, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे उसमें थोड़े क्वेश्चन रखते जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ाने का तरीका और ये सारी चीज़ें पसंद आई हो तो हमारे चैनल परिवर्तन एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार आपके लिए सभी टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरा एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि किस तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर कराई जाए। इस बार UPP में सिलेक्शन लेना है तो आपको परिवर्तन एजुकेशन आपको फटाफट सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।